वहीं गोविंद सिंह डोटासरा का पीसीसी चीफ के तौर पर एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस दौरान डोटासरा के पीसीसी चीफ और मंत्री के रूप में क्या कुछ उपलब्धियां रही, इसे लेकर के इंडिया न्यूज के हमारे संवाददाता दिनेश डांगी ने उनसे खास बातचीत की है। डोटासरा ने इस मौके पर कहा कि गहलोत सरकार ने कोरोना में शानदार काम किया, सरकार के खिलाफ अब तक सत्ता विरोधी लहर नहीं है, पंचायत निकाय और विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की परफॉर्मेंस बेस्ट रही है। डोटासरा ने कहा कि प्रधान पद से लेकर के पीसीसी चीफ तक के सफर में पार्टी और कार्यकर्ताओं का अहम रोल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं संगठन से निकला नेता हूं, इसलिए कार्यकर्ताओं की कद्र जानता हूं। बतौर कांग्रेस के कप्तानी पारी गोविंद सिंह डोटासरा को एक साल पूरा हो गया है। इनके साथ उनके पास दोहरी भी जिम्मेदारी है, पर्यटन और शिक्षा महकमे का भी काम वो देखते हैं, किस तरह अपने दोनों विभागों के कामकाज के साथ वो संतुलन बनाकर चल रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। डोटासरा जी, एक बड़ी बात है कि बतौर पीसीसी चीफ आज आपको एक साल पूरा हो गया, संगठन कोविड पीरियड था फिर भी आपने अच्छा करने की कोशिश की, चाहे उपचुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव में प्रदर्शन। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जो मुझे 12 महीने होने की बात, एक साल होने की बात कर रहे हैं, 14 तारीख को अनाउंसमेंट जरूर हुआ था, लेकिन मैंने कार्यभार 29 तारीख को ग्रहण किया था। मैं उसके लिए 29 तारीख को जो पीछे मैंने किया प्लस आगे का जो रोड मैप है वो सबको, सभी मीडिया के बंधुओं को पीसी के माध्यम से 29 तारीख को कहूँगा। बाकी जो शिक्षा विभाग में मैंने किया वो सब आपके सामने है, जो क्वालिटी एजुकेशन में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, जो शिक्षकों की समस्या है, जो रूल्स थे 70-71 से बने थे, 50 साल से भी संगतियाँ थी, उसको हमने दूर करने का काम किया है, टीचर्स को पुरस्कृत करने का काम किया है, 201 स्कूल है, हमने इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का काम किया है, 4-4.5 लाख हमारा जो है वो अब की बार का नामांकन बढ़ने का काम हुआ है, 1580 करोड़ रुपए के लगभग का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, 1260 स्कूलें हमारी कर्मोन्नत हुई है, एनुअल फंक्शन हमने कराए हैं, बाल सभा हमने कराई है, नो बैग डे हमने कराया है, बस्ते का बोझ हमने कम किया है, और मैं समझता हूँ कि जो हमारी परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो उसमें भी हमारा 20 अंक का इजाफा होकर के हम +1 में आ गए हैं, जो दिल्ली बहुत बड़ी बातें करता है, उस दिल्ली का मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 1800 स्कूलें हैं, हमारी तो अकेले जयपुर जिले में 1800 स्कूलें हैं, तो ऐसे में हमारे जो ग्रेडिंग में सुधार हुआ है प्लस हमारा क्वालिटी एजुकेशन में देश में दूसरे नंबर पे है, हम लोग आए हैं, पहले 5 स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के जिसमें जो चाहे क्वालिटी एजुकेशन हो चाहे परफॉर्मेंस वाइज हो सब में हम लोग अव्वल आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने शिक्षा विभाग में काम किया है उसका अब असर दिखने लगा है, और आज हर लोग ये कह रहे हैं कि भाई टीचर्स की समस्याओं का भी समाधान हुआ, कोरोना काल में जो बेहतर हमने पढ़ाने का काम किया, साल बर्बाद नहीं होने दिया, आप देख सकते हैं हमारा स्माइल प्रोजेक्ट, ई कक्षा, आओ घर से सीखें, बैक टू होम कार्यक्रम, बच्चों को वर्कबुक देना, उनको ले जा करके उनको देना, उनकी परीक्षाएं भी समय पे कराना, अब की बार परीक्षा नहीं हो पाई लेकिन उनका रिजल्ट हम लोग जल्दी निकालने वाले हैं, आगे से हम जो ऑनलाइन के लिए भी हम एनजीओ से एमओयू कर रहे हैं कि कैसे उनको टैबलेट्स वगैरह या लैपटॉप दे पाएँ, वो काम भी हम लोग करने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे सब वर्गों का हमारे एजुकेशन में ध्यान रखा गया, और जिससे आज जो वातावरण बना है पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूलों के प्रति, सरकारी शिक्षा के प्रति जो रुझान बढ़ा है, मैं समझता हूँ वो हमारी सरकार का अचीवमेंट है, उसमें सब लोगों का सहयोग है। नो डाउट आप शिक्षक परिवार से हैं, अच्छा काम भी किया है, दो चीज़ें जैसे थर्ड ग्रेड का ट्रांसफर हो यानी ये डार्क जोन आप समाप्त कर सकते हैं, ऐसी लोगों को उम्मीदें हैं, और एक तबादला पॉलिसी क्या बनेगी? देखिए, डार्क जोन समाप्त करना कोई बड़ी चीज नहीं है, जो 11 प्रतिबंधित जिले किए गए थे वो एक सीएस के आदेश से किए गए थे कि साहब इसमें टीचर ठहरते नहीं है, वहां टीचर कम है तो उनके बच्चों को कौन पढ़ाए, आज वो परिस्थितियां अब नहीं रही हैं, वहां भी 80-82% हमारे थर्ड ग्रेड के टीचर भरे हुए हैं, और यहां भी हमारे यही 70-80-82% टीचर आ गए, लेकिन सवाल ये है कि अब स्टाफिंग पैटर्न 2015 होने के बाद में जो थर्ड ग्रेड का टीचर है वो L1 का जो BSTC किया हुआ है वो L1 की पोस्ट पे आ सकता है, L2 का जो है उसमें विषय है बाकायदा सोशल साइंस है या मैथ्स है या इंग्लिश है तो वो उसी पद पे आ सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास में पद भी कम है। दूसरी बात, जब एक जिले में नियुक्ति हुई है
और एक जिले में नियुक्ति है, जिले की स्थापना समिति ने उसकी नियुक्ति की है, पंचायत समिति ने उसको अपॉइंटमेंट लेटर किया है, तो अब अगर उसको हम लोग यहाँ लाते हैं तो मैं समझता हूँ कि जब दोबारा नई भर्ती निकलेगी तो वहां निकलेगी, तो फिर जो नए लोग आएंगे वो कहेंगे हमको वहां क्यों नियुक्ति दे दी। तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी हमको और समझ करके फैसले करने पड़ेंगे। हम मानते हैं कि जो दूरस्थ इलाके हैं उसमें पे हमारे जो महिला टीचर्स हैं, पुरुष टीचर हैं, वो काफ़ी दिनों से बैठे हैं, उनके लिए भी हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकालें। इसी के लिए हमने जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उससे ट्रांसफ़र पॉलिसी को बनाने का काम किया और इन सब की समस्याओं का समाधान उस पॉलिसी के अंदर हमने समाहित किया है और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू हो जिससे उन लोगों को राहत मिल सके। पर्यटन महकमा भी आपके पास आ गया है, कोविड के बाद अब किस तरह टूरिस्ट प्रोटोकॉल के साथ आए उसको बढ़ावा दें, और घाटे में काफ़ी इकाइयाँ भी चल रही है, कल आपने बैठक भी ली, क्या नया कोई रोडमैप तैयार कर रहे हैं? देखिए, पर्यटन और आरटीडीसी दो अलग अलग चीज़ें हैं। आरटीडीसी वास्तव में नुकसान में गई या उसको भेजी गई, जो भी हुआ मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अब फैसला करने का वक्त आ गया कि हम इनको कैसे वापस संचालित करें। डिपार्टमेंट कर सकता है डिपार्टमेंट करे, डिपार्टमेंट नहीं कर सकता तो एक पॉलिसी बना करके उनको लीज पे दे और लीज पे दे करके हम लोग इसको आगे बढ़े जिससे वो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो भी सुरक्षित रहे और लोगों को भी इसका लाभ मिले। और पर्यटन के क्षेत्र में हमको चूंकि कोरोना के कारण से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इससे बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो हमारा प्रभावित हुआ है, इसके लिए पर्यटन नीति हमारे सरकार के द्वारा लाई गई है, जो गाइड हैं उनके लिए भी अलग से प्रावधान किए गए हैं, और जो हमारा आदिवासी इलाका है जो वन क्षेत्र है उसके लिए भी अलग से लिए गए हैं, हमारे जो पर्यटक आते हैं उनके लिए जो होम हैं वहाँ पर रुकने के लिए गेस्ट हाउस की पॉलिसी लाई गई है, तमाम हमारे डिपार्टमेंट्स के गेस्ट हाउस को उसको भी ओपन किया गया है। तो कुल मिलाकर के 500 करोड़ का पहली बार बजट दिया गया है, तो सब चीज़ें देख करके और पर्यटन में और चाहे आरटीडीसी में है उसमें बराबर मैं मीटिंगें ले रहा हूँ और सारा फीडबैक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो इसके कैबिनेट मंत्री भी आज की तारीख में हैं उनको हम लोग देते हैं। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हमारे यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिले, लोग आएँ, हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारे किले, बावड़ी, झील, इन सबको देख करके यहाँ से एक अच्छा संदेश ले करके जाए। डोटासरा जी, सरकार और संगठन दोहरी जिम्मेदारी आपके पास और काफ़ी अग्रेसिव लीडर है, सीधा आप सपाट कहते हैं और काम कराने की जो एक शैली है शेखावटी उसके चलते कई बार विवादों में आ जाते हैं लेकिन काम करवा के उसको अंजाम तक पहुंचा देते हो, किस तरह इस भूमिका में आप बैलेंस बना रहे हैं? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं इसके ऊपर, मेरा ये मानना है कि जो काम जनता की सेवा के लिए है, जनता के लिए हम कर सकते हैं, उस काम को हमें प्रायोरिटी से करना चाहिए। जो काम नहीं हो सकता उस काम को नहीं होगा ये कहने की हिम्मत भी उस नेता में होनी चाहिए। जिस नेता में ना कहने की हिम्मत नहीं है नहीं काम होने वाले की, वो मैं समझता हूँ वो नेता ही नहीं है, क्योंकि आप करा ही नहीं सकते, उसको रोजाना झुला रहे हो, रोजाना उसकी जूतियाँ चप्पलें घिसवा रहे हो, तो वो एक तरीके से आगे जाके कहेगा कि इसमें दम नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो काम होने वाला है बिल्कुल तत्काल करना चाहिए और जो नहीं होने वाला है उसके लिए हाथ जोड़ के विनम्रता से ये कहना चाहिए कि ये काम नहीं हो सकता है और इसकी वजह ये है। तो अब ये मेरी सहेली है, मेरी जो मैं समझता हूँ कि मैं तो मेरी क्वालिटी यही मानता हूँ कि जो होने वाला काम है उसको मैं करता हूँ और उसके लिए पूरा प्रयास करता हूँ, और नहीं होने वाला होता है तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये काम नहीं होने वाला है, इसको हम कर नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि उनको एक दिन बुरा लग सकता है लेकिन दूसरे दिन अच्छा लगेगा कि उस नेता ने हमको ये कहा था कि ये काम नहीं हो सकता, तो इसलिए हम चक्कर नहीं लगाए। सर, एक आखिरी सवाल, प्रधान से लेकर पीसीसी चीफ तक का सियासी आपका सफर रहा है, क्या आगे अपनी भूमिका देखते हैं, क्या आप चाहते हैं कि जिलों के कप्तान थोड़ा जल्दी बने, कार्यकर्ताओं की आप बहुत कदर करते हैं, मिलते हैं? देखिए, कार्यकर्ता ही हमारी जान है, कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, कार्यकर्ता ही हैं हम, नेता हमारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, हम तमाम लोग मिलकर के कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं, कार्यकर्ता जिनकी वजह से हम लोग सरकार में आए हैं उनके लोग हम लोग काम करें, और मैं तो कार्यकर्ता रह करके ही कांग्रेस पार्टी के लिए जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करना चाहता हूँ, और मेरे लक्ष्मणगढ़ के लोगों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि वो मेरे काम से संतुष्ट हैं, मुझे पहले प्रधान बनाया, 3 बार MLA बनाया,
और मैं उनके सामने कभी भी झूठी बात नहीं करता। जो अभी आपने पूछा वो बात दोबारा कहना चाहता हूँ कि मेरी यही शैली है, मेरे कार्यकर्ता मुझे इसीलिए लक्ष्मणगढ़ के लोग पसंद करते हैं कि भाई होने वाला होगा तो डोटासरा जी कह देंगे हो जाएगा, नहीं होने वाला होगा तो वो कह देंगे नहीं होगा, और इससे मुझे भी संतुष्टि मिलती है और मेरे कार्यकर्ताओं को भी संतुष्टि मिलती है। तो ये थे गोविंद डोटासरा, जिनके बतौर पीसीसी चीफ एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया, और शेखावटी के जैसे पहले दिग्गज नेता होते थे कि यानी वहाँ की भाषा की बात करें किसी तरह की गोली नहीं देते थे, काम अगर होता था तो फटाफट हो जाता था। आगे भी वो कार्यकर्ताओं की कदर करते रहेंगे और उन्हें अच्छी भूमिका में सामने लाएंगे, ये डोटासरा का दावा है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज़, जयपुर।